जिचतानाही तरवळणारं देव्हाऱ्यातलं चंदन स्त्री, असं स्वतःसोबतच इतरांचंही जीवन सुगंधित करणाऱ्या सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या नायन्यूजच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा. ललित रुंठा ग्रुपच्या डायरेक्टर म्हणून ज्या अतिशय खंबीरपणे निखिल रुंठा यांची साथ देत आज डायरेक्टर पदावर ज्यांची नियुक्ती आहे त्या माया निखिलजी रुंठा यांच्याशी आज आपण संवाद साधणार आहोत. नायन्यूजच्या स्टुडिओत त्यांचं स्वागत. नमस्कार मायाजी. नमस्कार अँड हॅपी वुमन्स डे टू यू. आपल्याला माहितीच आहे की नाशिकमधलं एक बांधकाम क्षेत्रातलं प्रथितयश नाव म्हणजे ललित रुंठा ग्रुप. तर मायाजी आपण काय सांगाल, जेव्हा आपण हा ग्रुप जॉईन केला म्हणजे सून म्हणून तुम्ही घरचं सगळं बघतच होता, परंतु प्रत्यक्ष जेव्हा ऑफिसमध्ये काम करण्याची आणि डायरेक्टर पोस्टवर काम करण्याची सुरुवात झाली तर हा अनुभव कसा होता? मैं पहले एक होममेकर थी और मुझे मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ने मुझे प्रेरणा दी कि अब तुम जाके ऑफिस भी संभालो. घर में हमारे यहाँ डिस्कशंस होते थे और शायद इसीलिए ऑफिस ज्वाइन किया, तो ऐसा लगा नहीं कि पूरी टीम नहीं हो. सबसे मैं सबको मैं जानती थी और उन सबके सपोर्ट से, मेरे घर वालों के सपोर्ट से ही ऑफिस में काम कर सीख रही हूँ. और जैसा मेरे पापा बोलते कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस विच नेवर एंड्स, तो हर दिन कुछ नया सीखती हूँ. नक्कीच मायाजींना त्यांच्या घरनंच सपोर्ट मिळाला आहे आणि अतिशय प्रोत्साहन दिल्यामुळे त्या परत बिझनेसमध्ये जॉईन झालेल्या आहेत. परंतु मायाजी या चांगल्या इंटिरियर डिझायनर आहेत, तर त्यांना देखील त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याची ही संधी या माध्यमातून मिळाली आहे, तर काय सांगाल याबाबत? कारण तुमची पॅशन होती, इंटिरियर डिझायनर तुम्ही आहात खूप चांगल्या आणि तुमच्याशी रिलेटेडच हा सर्व बिझनेस आहे, तर ती पॅशन तुम्ही कशी पूर्ण करताय? ईश्वर की कृपा से मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स किया था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं कंस्ट्रक्शन फैमिली में ही आऊँगी, पर भगवान की कृपा से मुझे वो ही फील्ड मिला और इस फील्ड में अपना इनपुट दे सकूँ, यही मेरा प्रयास है और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसा प्रयास, मेरी जो इच्छा है वो पूरी होती रहेगी. इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया है तो इसमें फ्लैट्स में क्या क्या, एक एज अ होम मेकर मुझे ये भी पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो प्लान्स देख के क्या चेंजेस, छोटे चेंजेस करने से उसको और फ्रेंडली बना सकते हैं कस्टमर के लिए, उसका प्रयास करती रहती हूँ मैं और अपना जितना इनपुट हो सकता है उतना देने की कोशिश करती हूँ मैं. तर मायाजींची एक संकल्पना असते की संपूर्ण कुटुंब या सर्वामध्ये आपण कसं इन्वॉल्व करून घेता येईल, त्या दृष्टीने त्या नेहमीच प्रयत्नशील असतात आणि नवीन संकल्पना राबवत असतात, तर त्या संकल्पनांविषयी देखील आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. फिमेल्स के लिए स्पेशली हमने अभी जन्म जन्म ऑफर स्टार्ट किया था फॉर वैलेंटाइन्स डे एंड वुमन्स डे, क्योंकि हर स्त्री का सपना होता है कि उसका एक मोटा घर हो, अपना घर हो. और आज की दुनिया में फीमेल्स व्यवसाय भी कर रहे हैं, उनकी इच्छा खुद के व्यवसाय के लिए भी जगह की इच्छा होती है और प्लस अपने हस्बैंड अपने फैमिली के लिए एक बड़ा बिजनेस शॉप, खुद का शॉप चाहती है. उसके लिए हमने उस स्कीम ऑफर स्टार्ट किया था, जन्म जन्म ऑफर, जिसमें सेव अप टू 10 लाख का स्कीम था. और इसी को मद्देनज़र रखते हुए फॉर फीमेल्स पूरी फैमिली के लिए हम ऐसे और नए नए कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे. जसं त्यांची पॅशन जोपासत घर आणि व्यवसाय दोन्ही पण सांभाळत आहे, परंतु त्यांची एक खासियत आहे की संपूर्ण कुटुंबाला त्यांनी अतिशय प्रेमाने आणि मायेने बांधून ठेवलेलं आहे. आणि त्यांची मानसिक तयारी होती की मला एक न्यूक्लिअर फॅमिली नाही तर जॉईंट फॅमिलीमध्येच जायचं आहे, आणि त्यांची ती इच्छा देखील इथे पूर्ण झाली. तर जॉईंट फॅमिली जे आपल्याला हल्ली खूप कमी बघायला मिळत आहेत आणि मोस्टली सगळ्यांचं आहे की आम्हाला न्यूक्लिअर फॅमिली पाहिजे, तर याबाबत तुम्ही काय सांगा? न्यूक्लिअर फॅमिली के लिए लोग सोचते हैं पर उस पर कितनी तकलीफें होती है. आज अगर जॉइंट फैमिली नहीं होती तो शायद मैं आज ऑफिस में नहीं होती. मुझे बच्चों की घर की सब जिम्मेदारी, आज मेरी छोटी बहन वंदना घर पे सब चीज़ें जिम्मेदारी संभाल लेती है, तो मैं यहाँ ऑफिस में आ सकती हूँ. बच्चों को देखना, घर का सब ज़रूरतों को वो पूरी करती है. जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि एक इंसान एक चीज़ें देख रहा है तो दूसरा दूसरे फील्ड को संभाल सकता है. और मुझे लगता है जॉइंट फैमिली एक खंभे की तरह पूरे घर को संभाल के रख सकता है. अलग अलग खंभे के बिना घर नहीं टिक सकता, वैसे घर के हर मेंबर के एक खंभा है जिनमें सब में. और जैसे अब भाई बहन में भी होते झगड़े होते रहते हैं, नोक झोंक चालू रहते हैं, वैसे ही घर में मतलब न्यूक्लियर फैमिली के लिए मैं तो कभी भी ऑप्ट नहीं करूँगी. और सबको यही बोलूँगी कि जॉइंट फैमिली में बच्चे जो सीखते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे कभी नहीं सीख सकते. उनको जो प्यार मिलता है, जो अपनापन और जो शेयरिंग का नेचर है, वो कहीं कभी भी न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिल सकता.
महिलांसाठी काय एक मेसेज देणार किंवा काय आवाहन करणार आजच्या महिला दिनानिमित्त? फर्स्टली सब वुमन को हैप्पी वुमन्स डे, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि वी फीमेल्स आर होम मेकर्स, सो इफ़ वी ट्राई विद गॉड्स ग्रेस वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, हम लोग कुछ भी कर सकते क्योंकि हम भगवान ने प्रकृति में ही स्त्री को सब कुछ सहने की क्षमता दी है, अगर इच्छा हो तो सब कुछ पा सकते इंसान। थैंक यू। आपल्या कार्यकर्तृत्वाने एक वेगळी ओळख आज बांधकाम क्षेत्रात निर्माण केली आहे, ती माया निखिलजी रुंठा यांनी, म्हणजे स्त्री कुठल्याच क्षेत्रात मागे नाही आपण हे बघतोय, आणि आपली जबाबदारी घरातली पूर्ण झाल्यानंतर परत त्यांनी व्यवसायात पदार्पण केलेलं आहे, ही समजदारी देखील प्रत्येक स्त्रीमध्ये असते, परंतु ती योग्य वेळी वापरली तर त्या योग्य संधीचा आपण नक्कीच फायदा घेऊ शकतो। मैं लक्की हूँ कि मुझे ललित रुंठा ग्रुप फैमिली की मैं मेंबर हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फादर इन लॉ ने फादर इन लॉ जैसा नहीं एक बेटी के जैसे प्यार दिया, और उनकी हमेशा से सोच है कि संयुक्त परिवार और एक अच्छे संस्कार के साथ में जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी, मुझे ही नहीं वो इस ऑफिस में काम करने वाले हर एक फीमेल्स को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और हर एक को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और उन सबको का मार्गदर्शन करते हैं। सो वी ऑल आर लक्की टू हैव पापा। आणि नक्कीच मायाजी निखिल रुंठा यांच्याकडून आपल्याला खूप आज प्रेरणा मिळालेली आहे, आणि असं सर्वांनी आपलं प्रेरणादायी कर्तृत्व प्रेरणादायी जीवन घडवलं पाहिजे अशी आशा करत आज नाईन न्यूजमध्ये इथेच थांबूया। मायाजी, तुमच्या व्यस्ततेमधून, कारण आम्ही बघतोय सारखे फोन कॉल्स चालू आहेत, त्या खूप बिझी आहेत, तरी देखील आज त्यांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे, तुमच्या व्यस्ततेतून आज तुम्ही वेळ देऊन आमच्या दर्शकांशी संवाद साधला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर, थँक्यू। कॅमेरा पर्सन जितेंद्र नरवाडेसह मी सुनीता चव्हाण, नाईन न्यूज, नाशिक।